आज हम आपके बीच एक ऐसे अभिनेता की बात करने वाले हैं जिन्होंने जिंदगी में ना तो फिल्मी सफ़र में बड़ी सफलता हासिल की और ना ही उनकी ज़िंदगी में परिवार के बीच सुख का समय हमेशा एक जैसा रहा। एक ऐसा अभिनेता जिसकी ज़िंदगी ट्रेजेडी से भरी थी। याद ही होगा साल 1993 में आई फिल्म रंग का वो गाना, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। इसी गाने के जरिए हिट हुए एक ऐसे अभिनेता की हम बात कर रहे हैं जिन्हें डैशिंग हैंडसम हंक कहा गया, दिव्या भारती के साथ जिनकी जोड़ी लाजवाब रही। जी हाँ, दिव्या भारती जिनका निधन ट्रेजेडी के साथ हुआ, उसी तरह कमल सदाना की भी जिंदगी ट्रेजेडी से भरी थी। जी हाँ, नाम उनका कमल सदाना है जिनके बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं। जन्म दिवस है उनका तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को कमल सदाना का अब बताना चाहेंगे 50 साल पूरा हो चुका है। जी हाँ, 50 साल के हो चुके हैं कमल सदाना, जिनकी ज़िंदगी 20वें जन्मदिन पर ट्रेजेडी से पूरी तरह से भर गई थी। करियर तो शुरुआत से ही बहुत हिट थी, लेकिन ट्रेजेडी ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रातों रात सुपरस्टार बनने वाले कमल सदाना का 20वां जन्मदिन कितना भयानक था आज हम आपको बताएंगे। 20वें जन्मदिन के मौके पर कमल सदाना ने अपनी माँ अपनी बहन दोनों को ही खो दिया। दोनों का निधन किसी और नहीं बल्कि उनके ही पिता ब्रिज सदाना के हाथों हुआ। बहुत ही डरावना है वो सच कमल सदाना की ज़िंदगी का जिसके बारे में बात कर ही वो रो पड़ते हैं। कमल के पेरेंट्स के बीच झगड़े हो रहे थे, बहस हो रही थी, तानाशाही थी और इसी वक्त उनके जन्मदिन पर यह हादसा हुआ। ब्रिज सदाना ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी कमल की माँ और उनकी बहन दोनों को ही खत्म किया। इसके बाद ब्रिज ने खुद की भी जिंदगी ली। जी हाँ, एक ही रात के अंदर कमल ने अपनी बहन अपनी माँ और अपने पिता तीनों को ही खो दिया। इस इंसिडेंट को देखकर आज भी याद कर रो पड़ते हैं कमल, क्योंकि ये इंसिडेंट उनकी आंखों के सामने हुआ। ये सबसे डरावना सच है कमल सदाना की ज़िंदगी का। पिता माँ और बहन को खोने के बाद कमल की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो फिर ना तो कभी हंसते नज़र आए और ना ही अपनी करियर को लेकर वो एक्साइटमेंट जाहिर कर पाए। धीरे धीरे डिप्रेशन ने उन्हें इस तरह अपनी चपेट में लिया कि डिप्रेशन की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी करियर से भी उन्होंने ब्रेक ले लिया। उस सदमे से वो उभर नहीं पाए। छोटे पर्दे की दुनिया में साल 2006 में वो दोबारा लौटे ज़रूर, यानी कि साल 1990 से गायब रहने वाले 16 साल बाद कमल सदाना ने टीवी की दुनिया में वापसी की, शो कसम से सीरियल के जरिए। जी टीवी के शो में वो नज़र आए, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ से भी वो गायब होते चले गए। ये आप भी जानते हैं, 19 साल की थी दिव्या भारती जिनका निधन बालकनी से गिरने की वजह से एक ऊंची बिल्डिंग से हुआ था। कमल सदाना की जिंदगी में ना सिर्फ परिवार, उनकी को स्टार का भी निधन उतने ही तकलीफ दे रहा। डायरेक्टरी की तरफ कमल फिर कोशिश कर रहे थे अपना कदम बढ़ाएंगे। साल 2007 में कर्कश उन्होंने बनाया भी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। 16 साल का वो ब्रेक, 20वें जन्मदिन पर पिता माँ बहन को होना और फिल्म रोवर के जरिए साल 2014 में लौटना, फ्लॉप मूवी में लौटना उनके लिए तकलीफ दे रहा। ना सिर्फ करियर चली गई, परिवार भी गए। शादी हुई उनकी आर्टिस्ट लीजा जॉन के साथ मुश्किल समय में, जिनके बाद उनके दो बच्चे हुए। आज अंगद और नम्रता उनके दो बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने अपनी पुरानी अपनी प्यारी बहन के नाम से नवाजा। उनकी प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो अंगद आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने बेटे के नाम से उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी खोला है। आज उसी की जहार ही किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही खर्च निकल रहे हैं। लेकिन करियर जिनकी हिट थी, सुपर डुपर हिट थी, वो कमल सदाना हमेशा हमेशा के लिए चल गए।
इसे आपको बताना चाहेंगे कि कमल सदाना ने सोचा नहीं था कि वो इतनी छोटी उम्र में सुपर हिट हीरो बनेंगे और इसके बाद हमेशा के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऐसे दूर चले जाएंगे। ये उनकी चाहत नहीं, ये उनकी मजबूरी थी। कमल अपनी ज़िंदगी में अब अपने बच्चों की वजह से किसी तरह से जी पा रहे हैं और बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कमल की उस मासूमियत को आज भी लोग याद कर रो पड़ते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कमल सदाना की करियर की शुरुआत बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल के साथ हुई थी। जी हाँ, काजोल और कमल सदाना दोनों ही नज़र आए थे फिल्मी पर्दे पर पहली बार। इनकी जोड़ी रंग लेकर आई थी, लेकिन वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। जी हाँ, अपने पहले हीरो के बारे में काजोल बात नहीं करती उतना, लेकिन उनके पहले हीरो वही हैं जो आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। आज कमल सदाना, जो कभी हैंडसम चॉकलेटी बॉय कहलाते थे, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रह रहे हैं, जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर दूर तक, लाइमलाइट से, यहाँ के ग्लैमर की दुनिया से, यहाँ के सुपरस्टार से अब नाता नहीं रहा। अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। कमल सदाना के बच्चे और परिवार को आप देख सकते हैं, ये उनकी पत्नी हैं, ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने उनके दर्द को धीरे धीरे कम करने में उनकी मदद की है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कमल सदाना अपने ज़माने के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। भले ही फिल्में बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उसकी वजह से आज भी कमल सदाना का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के गिनती में है। खैर, कमल सदाना आज भले ही 90s एक्टर के तौर पर 90s के बाकी सुपरस्टार शाहरुख, सलमान खान जैसे अभिनेता, अक्षय, अजय देवगन जैसे अभिनेताओं के बीच गिने ना जाते हों, लेकिन इन्होंने तब सुपरस्टार के रूप में भी पहचान बनाई थी जब कमल सदाना के आने से सलमान और शाहरुख इन सब की पहचान तक नहीं थी। तब इन्होंने एक बड़ा मिसाल कायम किया था अपनी फिल्म से। लेकिन आज बदकिस्मती ऐसी है कि बॉलीवुड के इन सुपरस्टार शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय देवगन के जैसे बड़े अभिनेताओं के बीच कमल सदाना का दूर दूर तक नाम नहीं है। लेकिन हाँ, अपने ज़माने के कई एक्टर्स के साथ वो आज भी स्पॉट किए जाते हैं और उनके चेहरे पर वही मासूमियत और आँखों में वही डरावना सा सच है जिसे छुपाकर मुस्कुराहट के साथ वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहे हैं और कैसे भी करके अपना घर बार चला रहे हैं। पत्नी के साथ विकास भल्ला की मेलोडियस एक सॉन्ग के लिए जब वो नज़र आए थे तो वो बहुत सिंपल रूप में नज़र आए। कैमरा के सामने अब भी वो अपने परिवार के बारे में इस तरह की बात करना पसंद नहीं करते हैं। नेशनल न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।